फिल्म एक्ट्रेस नीतू चंद्रा मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर पहुंची, जहां उन्होंने नेचर सफारी, जू सफारी और स्काई वॉक का भ्रमण किया। भ्रमण के बाद नीतू चंद्रा ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे राजगीर का जू सफारी, नेचर सफारी और स्काई वॉक देखने का मौका मिला है। उन्होंने इस जगह को फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर जगह बताया। उन्होंने कहा कि यहां वाइल्ड लाइफ देखें और यहां जो बन रहा है आने वाले समय में हिंदुस्तान का डिज्नीलैंड होगा। उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म मेकर और एक्ट्रेस होने के नाते हमारी प्रोडक्शन हाउस से बिहार के ऊपर बनने वाली फिल्मों की शूटिंग हम यहां करेंगे। नीतू चंद्रा के फिल्मी कैरियर की शुरुआत सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ गरम मसाला फिल्म से हुई। उसके बाद नो प्रॉब्लम और अपार्टमेंट जैसी फिल्मों में नीतू नजर आई। अब वो खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाती है। देखिए लॉबी तो है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे डॉक्टर का बेटा जाएगा, डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाए, ऐसे ही चाहते ना सब। उसी तरह से फिल्म स्टार्स चाहते हैं कि उनका बेटा फिल्म स्टार बने। लॉबी हावी है और वो हावी हर वक्त हमेशा रहेगा और हर फील्ड में रहेगा। आपको अगर कहते ना इंफीरियर फील करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा हम इंफीरियर फील करें क्योंकि आप में कोई कमी है। हम इस तरह से देखते ही नहीं, जैसे मेरे में कोई कमी नहीं है और हम किसी के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं। इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, भोजपुरी बोलिए, एक्शन बोलिए, डांस बोलिए, ड्रामा बोलिए, थिएटर बोलिए, अपने वो कहते ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी कुछ बोलते नहीं कर सकते। हम बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं। अगर इस तरह से कोई भी हावी होता है तो उसको जवाब देने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। चाहे कहीं से भी आए आपको फाइट करना हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह के लोग बॉम्बे में जाएंगे तो उनको फाइट करनी पड़ेगी और ये जिंदगी फाइट की है। अगर फाइट नहीं करेंगे होएगा ही। खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हमको मौका मिला है राजगीर आने का। आज हम जू सफारी देखे, नेचर सफारी देखे और स्काई वॉक देखे, साइकिल जिप देखे, रोप जिप देखे और इतने सुंदर सुंदर पार्क देखे, वाइल्ड लाइफ देखे। आई थिंक ये एक डिज्नीलैंड के लेवल का जो बन रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान का, ये डिज्नीलैंड होगा और आप सब आइए यहाँ देखिए, ये बहुत ही सुंदर बना है। और हम कोशिश करेंगे एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर, कोशिश करेंगे कि बिहार की जितनी भी भाषाओं की फिल्में हम बनाते हैं बेजोड़ चैनल पे, वो चंपारण टॉकीज मेरा प्रोडक्शन हाउस है उसके ऊपर, और हॉलीवुड की फिल्में इन सबको कोशिश करें यहाँ ला के शूट करें, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है और जो चाहिए शूट करने के लिए वो सब हो सकता है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे सब अलग अलग फिल्मों को लेकर आएँ, हिंदी फिल्म भी लेकर आएँ ताकि यहाँ शूट हो सके।